अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और तैयार भी मैं हो चुका हूँ। वाइट आज पहना है भाई ने, क्योंकि आज है मेहंदी। और अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि सबका, अभी हम लोग को निकलना है फार्म हाउस के लिए, क्योंकि मेहंदी हमने फार्म हाउस में रखी है तो वहाँ के लिए निकलना है। तो वेलकम बैक टू द न्यू। हाँ, आज तो फार्म हाउस में मेहंदी से पहले निकाह भी है, तो पहले होगा निकाह उसके बाद है मेहंदी। तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि मैं था छत पे, तो नीचे चलते हैं। नीचे ही सब आ रहे हैं, तो बस नहीं आप लोग को मिलवाता हूँ। ये हमारे कज़न हैं, मुइज़ भाई नाम है, मुइज़ एरा। और ये वजाद है ना, ये लाहौर में होते हैं। लाहौर से आए शादी में, माइयों में तो नहीं आ सके, मेहंदी में आए। बाकी अभी हम लोग आए हैं हेयर स्टाइल बनवाना है, तो अभी बनवाते हैं। यहीं शाह भाई भी आ गए हैं और अभी हम लोग सब बैठ रहे हैं गाड़ी में। पीछे लोड भी हो रही है, वो पोस्टर है ना। और तो अभी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? ठीक। बाकी अभी हम लोग पूछते हैं, सारे सबका वेट ही कर रहे थे कब से। टाइम 4:30 बजे का कितना हो गया, टाइम 6 बज गए होंगे। हाँ, 6 तो हो गए, 6 बज चुके हैं। बस अभी हम लोग निकलते हैं फार्म हाउस। सेटअप पूरा लग रहा है अभी, तकरीबन तो लग चुका है, बस एंडिंग पर है, स्टेज वगैरह लग रहा है, तो बस ये लगता है। बाकी अभी बाकी गाड़ियाँ आती हैं, उन लोग का वेट करते हैं। यहाँ पे वेट ही वेट हो रहा है कब से, बस यही हो रहा है अभी कब से। अच्छा, ये देखो अभी हम लोग ने LCD भी लगवाई है यहाँ पे, फुल मूवी देखने के लिए। देखें ब्लैक आइटम यहाँ पे अभी चलेगी। सीरियस ले रहे हो? मजाक कर रहा था। ठंड होगी यार, वही ठंड। सब भी आ गए। कैसे हो फैजान भाई? हाँ फैजान भाई, कैसे हो? ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है जी। लेट इतनी देर से क्यों आए आप लोग? मेकअप हो गया, तू लेट की बात कर रहा है। तो आराम से आया, आगे आगे घुमा रहे थे। जब भी आपको हमने बोला था हमारे साथ साथ चलें, आप लोग ना आगे चले गए। भाई अभी मैं पूल के लिए चड्डा तो लाना ही भूल गया। मैं लाया हूं। लाए हैं आप? लाए पहले आपने कहा कि मैं नहीं लाया, आप भूल रहे हैं। लाया हूं। क्या हूं? शाहरुख ने रख लिया था मेरे लिए। अच्छा, इनके लिए रख लिया, मैं तो लाया ही नहीं। भी आ गए आप, इतनी लेट आ रहे हो आप सारे। सबसे पहले मैं आया हूँ। हम अपने अलग गाड़ी में आए यार, लेकिन ये साथ ही थे, हमारे साथ आ रहे थे। फिर उन्होंने बोला जुनेद भाई के साथ आएंगे, जुनेद भाई इनको लेट लेकर। रोको में आया, रोको में। रोको में आयो? बिल्कुल। कहाँ रोको आप? बाहर खड़ी, बाहर खड़ी कर दी। अंदर ले आओ उसको, अंदर ले। नहीं नहीं, अंदर ले आओ। नहीं नहीं ला रहे, जगह नहीं है ना यार, बड़ी गाड़ी है, पूरी फुल हुई है पार्किंग। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर अभी मेरी चाची और अम्मी ना यहाँ पे वो लगवा रही। क्या सजा रहे हैं आप लोग? मेहंदी है ये, वो दुल्हन के लगाने के लिए, वो मुंह पे लगाते हैं ना, वही है ना। देखिए आप जोएब भाई को, जोएब भाई अभी तैयार नहीं है, सुबह से काम करवा रहे हैं, सबसे ज्यादा काम इन्होंने ही करवाया है। और अभी ये तैयार हो रहा है तो वहाँ चलते हैं। अल्लाह शफकत के निकाह में कबूल किए, कबूल किया। मोहम्मद अरसलान साहब, आपने कश्माला शफकत को निकाह में कबूल किया? जी कबूल। अला बेटा, आपने मोहम्मद अरसलान को निकाह में कबूल किया? सारे आने वो खाने हैं। हमें निकाह के छुआड़े नहीं मिले? नहीं मिले अभी, ये बस एक पैकेट आया है, वो भी किसी और को मिला। हाँ अभी आ रहे हैं, हमारी टेबल पे भी आएंगे। अब इसको बता, अब मतलब तुम बहनों जो तुम खुल के नहीं बोलते, तुम्हारा इलाज ही पूरा नहीं हुआ। का हो गया है, अभी हम लोग ले रहे हैं पिक्चर्स से हैं सबकी। अब हमने पिक्चर ले ली है। ले ली आप लोग ने? बहुत जबरदस्त। पिक्चर भी बुलवाएं और क्या, कॉमेडियन वगैरह भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो अभी वहीं पर वो जगह हैं, अभी सब आ रहे हैं, तो आप लोग को उनके शो भी दिखाएंगे। अब खाना खुल गया है तो खाना खाते हैं। ये देखें पहले इसे निकाल के सब ले आए। फरहान भी आपने नहीं निकाला खाना? मैं खा रहा हूँ भाई, अब यहीं पर ही शुरू हो जाते हैं। मैं भी यहीं हो जाता हूँ शुरू। अभी भाई खाने में कबाब थे, हलीम था, और पूरियाँ वगैरह थी, और भी चीज़ें थी, वो हमने खा ली है। और खाना बहुत मज़ेदार था। कैसा था आरिफ भाई खाना? अच्छा था। अभी भी हलीम खा रहे हैं भाई जी, अभी खाते हैं गुलाब जामुन मीठा, कुछ खाने के बाद कुछ मीठा। ये मेरी कज़न है, अलीम खा रही है, कभी वहाँ पे बैठ के खा रही है, कभी यहाँ पे खा रही है।
शिफ्टे लगा रही हैं आप बस अभी ये जंबो भी पूरी इन्होंने भी है खाना है नहीं, अभी अंदर गिरा दूंगा यूं करके। हेलो भाई, अभी सिंगर वगैरह भी आ गए हैं। और चाचा आपने खाना खा लिया? कैसा था खाना? बहुत अच्छा था। बाकी वो देखें सिंगर वगैरह आ गए हैं, अभी चलते हैं। आ जाओ फैजानदे स्टेज के पास चलें। आओ इधर आ जाओ मोइन, आ जाओ। अब स्टार्ट होने वाला है बैंड और अब आप लोग उसको एंजॉय। लेकिन देखें फरहान भाई बिल्कुल भी डांस नहीं कर रहे हैं। यार बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बस अब थक गए हो यार। थक गए हम, डांस भी आप लोग ने देखा होगा पहले यार। इस तरह के लोग तो क्यों झूमे? सब सब जीना चाहते हैं, मरने वाले से साला कोई नहीं पूछ रहा कि भाई क्यों मरना चाह रहे। बचने के बाद हम पूछने वाले थे सर। नहीं नहीं, हम पहले ही पूछ रहे थे भाई, अब क्यों मरने जा रहे हैं? अफगानिस्तान में मेरी पूरी फैमिली को बम से उड़ा दिया। माँ बाप, बीवी, छोटे छोटे बच्चे, एक बम आया और धड़ाम। फोटो रखी है मेरे पास। नहीं नहीं भाई, यकीन है, यकीन है। लेकिन भाई साहब, हमने थोड़ी मारा है उन्हें। अरे तो बचाए भी तो नहीं ना यार, फिर क्यों जिंदा रहना चाहते हो और जी के करोगे क्या? मान लो आज अगर बच भी गए तो कल को किसी गोली से मर जाओगे, परसों बम से उड़ा दिए जाओगे, तो बेहतर है कि आज चुपचाप लेट के मर जाओ। बात सही है भाई, सही बात। ये भाई ताली बजा रहे पूछते हैं कजनों से कैसा लगा आज का इवेंट आपको? बहुत अच्छा था। अच्छा भाई, ये देखिए मेरे भाई का, निशान भाई भी आ गए थे। ये सामान लेके जा रहे हैं वापसी, पहले पहले सब लेकर आए। कहाँ जा रहे हैं वापसी? जब जा रहे हैं मतलब पूरे सामान के साथ आया था। नानी भी तो आया था, नानी भी आया था, चड्डा भी लाया हूँ मैं अपना। नानी रे गजा के प्रोग्राम खत्म हो गया, घर जाके नहीं, अब घर जाके ना आऊंगा मैं। इतना खूबसूरत इवेंट नहीं हो पाई और ये कह रहे हैं इनकी वजह से हुआ, ये इनकी वजह से हुआ, हुआ किसी की वजह से, मेरे पैसे दे दो। अच्छा तो नहीं हुआ, ठीक है, ओके चले। तो भाई आप लोग को इवेंट कैसा लगा? अच्छा तो लगा ही होगा क्योंकि इतना अच्छा सेटअप मुजम्मिल भाई ने किया, तो आप लोग को अच्छा तो लगा होगा। बाकी हम लोगों ने सिंगिंग डांसिंग वालों को और बाकी और लोगों को भी बुलवाया था, कॉमेडियन को, आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे बाहर और बाकी उमेर भाई भी आ गए। बुलवा ली कोस्टर आपने? जी भाई, कोस्टर आ गई है, कोस्टर आ गई है, बस चलने का प्रोग्राम, चलने का प्रोग्राम है बस अभी घर जाने का, क्योंकि टाइम बताओ क्या हो गया, टाइम तो आप देखें 3:30 हो गया। क्या सोच रहे थे उमेर भाई? मैं तो सोच रहा था नहाएंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे। हाँ मैंने बताया भी था व्लॉग में, सबकी बस हो गई है फैमिली की, वो कह रहे हैं बस चलो, बस बोलने चलो। थक गए ना कब से, शाम से आए हुए तकरीबन, हम लोग 7-8 बजे से निकले हुए घर से, बल्कि 6 बजे से, इसलिए पूरे फार्म हाउस को चेक कर रहे हैं कि कोई अपना सामान तो नहीं भूल गया। इसलिए आप लोग भी फार्म हाउस आया करें तो लाजमी चेक कर लीजिए, इसमें कोई भी सामान नहीं है। तो अब बस निकलते हैं, हम लोग भी निकल रहे हैं यहाँ से फार्म में, पूरी लाइटें वाइटें बंद कर दी हैं, ताह भाई और मैं इस गाड़ी में, बाकी वो लोग दूसरी गाड़ी में, और कोस्टर वोस्टर सब निकल गए। Yeah.
अभी ये कहीं और चले जाते जुनैद भाई, ले जाते अभी उनको, वो जा रहे हैं जुनैद भाई। बाकी अभी अब ब्लॉग का एंड करते हैं ऊपर जाकर। थक गए यार बहुत। देख रहे हैं सुबह हो गई है, बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठोको भाई, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन। मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, कोई नहीं ठोकना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस।